सुंदरवती महिला महाविद्यालय के संस्कृत विभाग में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा था। उस कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 19 अगस्त से 25 अगस्त तक मनाया गया। विभाग में संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में एक सप्ताह से संस्कृत सप्ताह चल रहा था। जैसा कि विदित है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और वो श्रावण पूर्णिमा के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ये समारोह आयोजित होता है। और आज उसी पखवाड़े का आज अंतिम दिन है, पखवाड़ा नहीं, सप्ताह का ये अंतिम दिन है। साप्ताहिक कार्यक्रम था ये, और उसका ये अंतिम दिन है। इस बीच में लोग लेखन, निबंध, गीत, संस्कृत श्लोक, गीता का अनुपठन आदि कार्यों में संलग्न रहे। संभाषण कार्य भी हुआ। अपना परिचय। मैं डॉक्टर मधु कुमारी, सुंदरवती महिला महाविद्यालय में संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्षा हूँ। पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है, रणवेरियां बज चुकी हैं। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत मतदान दल तथा मतगणना दल के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ईवीएम मत बेटियों मत पत्र के माध्यम से चुनाव एवं मतगणना का प्रशिक्षण देने वाले मास्टर प्रशिक्षकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज 25 अगस्त से 26 अगस्त तक डीआरडीए भागलपुर सभागार में प्रारंभ हुआ। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से निर्गत की गई है। आपको बताते चलें कि यह पंचायत चुनाव अधिकतर जिलों में 10 चरणों में ही कराए जाने की घोषणा की गई है। 2 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। 24 सितंबर को पहला और 12 दिसंबर को आखिरी वोट दिया जाएगा। हर चरण की वोटिंग के बाद एक दिन बीच में मतगणना की जाएगी। और बताते चलें कि 15 दिसंबर को अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। यह भी बता दें कि लोकतंत्र का महानुष्ठान कुल मिलाकर 105 दिनों का है। इसमें मुखिया 8072, ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307, पंचायत समिति सदस्य 1,01,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8072, ग्राम कचहरी पंच 1,13,307, अर्थात कुल मिलाकर पदों की संख्या होती है 25,05,022। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी कर्मियों का प्रशिक्षण होना है, जो मास्टर ट्रेनर हैं वह आज निकल जाएंगे। आज इस कार्यक्रम में पंचायत चुनाव कैसे सुनिश्चित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए कार्यशाला चलाई जा रही है। आज सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्रशाल में एनएसएस की छात्राओं द्वारा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान के तहत गीत संगीत विवाद कार्यक्रम भी रखा गया। सबसे पहले रक्तदान हमारे लिए कितना जरूरी है, इस पर परिचर्चा की गई। भागलपुर सुल्तानगंज के नगर परिषद क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर हंगामा करते हुए घेराव किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने बताया कि अभी भी हमारे घर में पानी है, वहीं सरकार के द्वारा कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। कि जो भी मतलब बाढ़ पीड़ित प्रभावित हुए हैं, उन सभी को 6,000 रुपया दिया गया। मैं था इस नंबर वार से जो बैठक में क्या वही लिया गया है कि जो मतलब पर्ची बना करके दिया जाए, लिस्ट बना करके उसको मतलब भेजा जाएगा, उसके द्वारा फिर वहाँ से जो आवेदन आएगा। लिस्ट जमा किया है या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं लिया गया, अभी नहीं हुआ। 23 वार्ड पार्षद 23 आपने लिस्ट दिया है या नहीं? अभी नहीं, नहीं, नहीं दिया है। सूचना नहीं अभी दिया सूचना है। नहीं दिया है, इसीलिए लिस्ट नहीं दिया गया है। सूचना देने का भी आश्वासन नहीं दे रहा है, इसीलिए ये भी बात है। वार्ड पार्षद 23 नंबर संध्या देवी। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से लगभग 150 गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, जिनमें भागलपुर का गंगा नदी से सटे शहरी क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। इसको देखते हुए अप्रत्याशित स्थिति से गंगा का जलस्तर अभी वर्तमान में तो थमा है, लेकिन बाढ़ से ग्रसित लोगों की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। बाढ़ जो इस बार अप्रत्याशित गंगा नदी में पानी बढ़ने के कारण जो बाढ़ की स्थिति हुई जिले में, और एक जगह तटबंध टूटा,
तो हम लोगों ने काफ़ी कम्युनिटी किचन, आप देखेंगे 250 से ज़्यादा स्थानों पे कम्युनिटी किचन कैंप का सफल संचालन हुआ। कहीं भी किसी तरह से कोई भी शिकायत हम लोगों को नहीं प्राप्त हो रही है, चाहे मेरे दूरभाष पे या स्थल भ्रमण के क्रम में। लगभग सभी प्रखंड के बहुत सारे कैंपों का मेरे द्वारा भी निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया है। तो पेयजल की व्यवस्था हो या दवाई की व्यवस्था हो, कोविड का वैक्सीनेशन हो, टेस्टिंग हो, सब हम लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से कराया। और जो GR की राशि होती है 6,000 रुपया, वो PFMS के माध्यम से लगभग 90,000 परिवारों को हम लोग भेज चुके हैं और 20,000 से 25,000 परिवारों को और दिया जाना है, वो भी हम लोग अगले 4-5 दिन में भेज देंगे। एक सप्ताह में सभी लोगों को राशि जो है जितने बाढ़ प्रभावित गाँव थे उनके परिवारों को उपलब्ध करा देंगे। और इसके अलावा जो रोड डैमेज हुआ है उसमें एक मीटिंग मेरे स्तर से हो गई है, चाहे वो RWD का हो, RCD का हो, तो जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है बाढ़ के पानी के कारण, जैसे ही पानी उतरेगा उसके बाद तुरंत बाद संबंधित इंजीनियर उसको मोटरेबल कराएंगे और फिर आगे जो है प्रॉपर उसके रिस्टोरेशन का काम भी होगा। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से लगभग 150 गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, जिनमें भागलपुर का गंगा नदी से सटे शहरी क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। इसको देखते हुए अप्रत्याशित स्थिति से गंगा का जलस्तर अभी वर्तमान में तो थमा है, लेकिन बाढ़ से ग्रसित लोगों की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। हम लोगों को कोई भी तरह का किसी भी तरह का राहत नहीं है। अभी भी चलकर देखा जाए कितने के घरों में पानी जमा हुआ है, सबका माल जाल भूखे मर रहा है और ना कोई राहत मिला है। 2-3 दिन तक चला कैंप खाने पीने का, उसके बाद वो भी बंद हो गया। कितनी जन समस्या है, सरकार ने 6,000 देने का आश्वासन दिया लेकिन हम लोगों को वो भी प्राप्ति नहीं है। हम लोग आखिर क्या करें, मरता क्या नहीं करता। हम लोग जो जाम किए हुए हैं किन किन वार्ड के हैं, कहां? हम लोग यहां से 21 हैं, 20 हैं, 19 हैं, 18 हैं, 22 हैं, हाँ 16 का भी है। इस सभी यहाँ के जनता ले असित सभी को, और जब तक कि कलेक्टर साहब यहाँ पर नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 332 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 41.1 किलोमीटर लंबी घोगा पंजवारा स्टेट हाईवे का लोकार्पण पटना से वर्चुअल तरीके से किया। इस मौके पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री तथा विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम से जुड़े।